एल इक्वल टू जीरो टू एन प्लस वन एज्यूम दोस्तों ऑप्शन थे एजुमिथल क्वांटम नंबर है ये ऑप्शन है फर्स्ट एटॉमिक नंबर एट तो जे का वैलेंस सबसेल जेई मेन्स का क्वेश्चन ये सबको डाउट आ गया था इस टू पी उन्होंने ये आंसर दिया था बट बच्चे चैलेंज कर रहे हैं इनर्ट गैस फर्स्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर विल बी एट फर्स्ट अल मेटल ऐसा एक क्वेश्चन था आपने बुक में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नाइन एटॉमिक नंबर थर्टीन हैज हाफ फिल्ड सबसेल वैलेंस वाला जो हो गया हाफ फिल्ड है सबसे कौन सा करेक्ट होगा डी शिवम तुम्हारा आंसर डी आ रहा है ठीक से सोच लो कई लोग नहीं कर पाए जबकि बुकलेट में है अपना ऐसा क्वेश्चन का एज्यूम करो कैसे ऐसे, ऐसे। डी उन्होंने आंसर ए दिया था बट तुम लोग का भी रॉन्ग हो रहा है थोड़ा सोचो स्वामीदीप ने ऐसे चैलेंज किया बट लोगों ने एग्जाम अच्छा दिया एकदम एग्जाम और टफ पेपर में भी वन सेवेंटी वन एटी आ रहा था नाइन्टी नाइन परसेंट आए ले वन सेवेंटी वन एटी बहुत सारे बच्चों का है और दास वगैरह तो टू फोर्टी प्लस टू फिफ्टी ऐसे दास उत्कर्ष यश रानिल शशांक का 210 के आसपास है ओके? बहुत तो अच्छा शिफ्ट पे डिपेंड है किसी शिफ्ट में आ, मैंने बताया था ना पिछले बार कि मार्क्स में तीस चालीस नंबर आ ही रहा है कम आ रहा है दूसरे बच्चे से मगर हो सकता है तुम्हारा परसेंटाइल ऊपर आ जाए क्योंकि तुम्हारा टफ शिफ्ट था ऐसे तो अलग अलग शिफ्ट पर डिपेंड हो गया ये एवरेजिंग मार्क्स ना हो के आता है कि आता शिफ्ट में कितना आ रहा है फिर भी ऑन द एवरेज एक में तो मुझे किसने भेजा था नहीं भेजा की एक सौ तीस चालीस आ रहा है तो भी नाइनटी नाइन परसेंटाइल आ रहा है एक एनालिसिस भेजा जाता उसने चलो ठीक है इसको जल्दी से कर लेते हो गया सबने अटेम्प्ट ले लिया जस्ट एक मिनट शांत रहो अटेम्प्ट लो बताओ सबका आंसर रॉन्ग हो रहा है प्रणव यंसर इज सी रिजल्ट कल ही आ जाएगा उसका सेल कौशल प्रणव का आंसर सी है और अजिंक्य ने बी दिया है और मूविंग अंकित शिवम ने डी दिया ओके डन एक मिनट अब आंसर फाइनली किसी का हुआ तो आंसर सी एंड बी दोनों होगा कंफ्यूजन है कि वन एस टू फिर वन पी सिक्स भी बनेगा ना हाँ थ्रेड यस प्रणव तो फिर टू एस टू पी टू डी सेल भी आएंगे क्या हाँ वो आएंगे ना n का वैल्यू जब वन लेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट में चले l का वैल्यू हो गया जीरो वन टू मतलब वन एस वन पी वन डी ऐसा हो गया ना इसीलिए मैंने बोला था बुकलेट बार बार रिवाइज करो बुकलेट में क्वेश्चन है उसने जीरो टू एन लिया था जीरो टू एन, एन तो उसमें एटॉमिक नंबर यूजली प्रीवियस ईयर ही रिपीट मारते रहते हैं वो लोग तो इधर क्या होगा टू एस टू पी टू डी टू एफ ऐसे आएगा ना जीरो वन टू थ्री ऐसे आएगा ना जीरो से एन प्लस वन तक तो फिल कैसा होगा वन एस देन वन पी देन टू एस देन वन डी एन प्लस एल वन प्लस जीरो वन प्लस वन अब सोचो जेई मेंस में पहले आया हुआ कैसा नहीं है उसका जैसे एटॉमिक नंबर था वन एस टू वन पी सिक्स आंसर था, तो बुकलेट बार बार रिवाइज करोगे तो सब याद रहेंगे ना अब बताओ तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एटॉमिक नंबर तो पहला जब लिखोगे नॉट गैस तो वो अब वन एस टू नहीं होगा क्यों वहां तो टू तो एस और टू पी फिल करना पड़ गया था ना ऐसे अब कौन सा होगा इनऑर्ट गैस पहला तो फिल करो वन एस वन पी दोनों है तो वन एस टू वन पी सिक्स होगा तब फर्स्ट इनर्ट गैस होगा एट फर्स्ट इनर्ट गैस वो तो फर्स्ट में वन एस था इसलिए इनर्ट गैस बन गया सेकंड में टू एस टू पी आके हुआ तो वन एस टू वन पी सिक्स टू एस वन नाइन ये अलकली मेटल हुआ ना पहला अलकली मेटल वन एस वन तो हाइड्रोजन चला जाता और थर्टीन की बात करें तो थर्टीन क्या हो जाएगा वन एस टू वन पी सिक्स टू एस टू वन डी थ्री तो ये हाफ फिल्ड नहीं है ना तो ये, ये इस तरह ना हाफ फिल्ड नहीं हुआ बट ये दोनों राइट आ रहा है ना तो उन्होंने फर्स्ट दिया फर्स तो ये फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया एट ले हुए नंबर तो वैलेंस सबसेल टू पी नहीं है। एट का वैलेंस सबसेल क्या है? वन एस टू, वन पी सिक्स। ये वैलेंस सबसेल है ना? इसके लिए हम लोगों ने पूछ रहे थे। मैंने बोला हाँ ठीक है क्लेम कर सकते हैं इस इसपे। तुम लोगों को करेक्ट लग रहा है नहीं? ये क्लेम्स ये थर्ड एंड सेकंड करके दे दे। थर्ड एंड सेकंड दोनों राइट लग रहा है ना तो समिति पर समिधि पर कई बच्चों ने वही पूछा कि ये तो एट तो लग ही नहीं रहा उन्होंने सॉल्व कर लिया था बाय द एंड क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में इतना टाइम मिलता है ना कि जो चीजें तुम्हें तो मैं मालूम नहीं याद आ रहा है क्वेश्चन बुकलेट सॉल्व करते करते किसी ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीट होते होते सब क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं तो उस समय ईजी जाता है अभी नहीं याद आ रहा है वो चलेगा ठीक है ना ये सबके साथ होता है इस समय पर क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा रहता है आगे का देख रहे हो बट तुम तो लोगों को गुड एक टाइम नवंबर दिसंबर मिलला जिसमें रिवीजन करके कहीं पे आ जा सकते हो कई बच्चे क्या नवंबर दिसंबर बहुत सारे मॉक सॉल्व कर करके उसी रेट टॉप में 99 पॉइंट समथिंग आ जाता है पहले तक कोई परफॉर्मेंस नहीं था अचानक आ गए 99.5 परसेंटाइल वगैरह उस समय मॉक करने से यही सब क्वेश्चन मिलेंगे बट यूजुअल मिस्टेक क्या होगा ना देखना नवंबर दिसंबर सब बुकलेट बार बार सॉल्व करोगे वहां तो पे प्रॉब्लम आएगी बुकलेट सॉल्व करो रिवीजन में रखो बुकलेट सितंबर तक ही सब सॉल्व करके हो जाना चाहिए सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम नवंबर से केवल मॉक मॉक मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन करने से दिमाग खुलेगा ना कि बार बार एटॉमिक स्ट्रक्चर का थियरी पढ़ने से अटोमिक स्ट्रक्चर का थियरी कितना भी बार पड़ेगी सब क्वेश्चन प्रॉब्लम ही आएंगे बट ऐसे वाले क्वेश्चन हर जगह मिलते रहेंगे मॉक में तो तुम्हारे दिमाग में इंसर्ट रहेगा कि ऐसा भी एक क्वेश्चन तो तुरंत कर दोगे तो स्वामी वगैरह को याद था ऐसा क्वेश्चन था बुकलेट में तुरंत कर दिया नहीं नहीं मल्टीपल चॉइस नहीं था उन लोगों ने रॉन्ग किया फर्स्ट आंसर दे दिया है उन लोगों ने एन ने आंसर फर्स्ट दे दिया तो वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि फर्स्ट नहीं हो सकता ऐसा ही बोल रहे हैं मुझे भी लगा फर्स्ट हाँ, नहीं होगा सेकंड थर्ड होगा नहीं समझ में आया एन का वैल्यू वन है तेल तो का वैल्यू क्या होगा एन का वैल्यू वन ले लो तेल तो का वैल्यू कितना दिया जीरो टू एन प्लस वन जीरोन का वैल्यू टू ले लो तेल तो का वैल्यू जीरो टू एन प्लस वन मतलब जीरो टू थ्री जीरो ना फिर तो फिल करो तो क्या होगा वन एस देन वन पी देन टू देन वन डी ऑफ आवर प्रिंसिपल एन प्लस एल रूल

और एक क्वेश्चन तो यह आया था कि मतलब इतने टॉपर बच्चे भी उसे राउंड कर गए जबकि उसमें कुछ नहीं है बताता हूं या छोड़ कोऑर्डिनेशन करते बाद में ठीक है कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं उसको रिवीजन करते रहेंगे एक क्वेश्चन कर लिया ना ठीक है अभी कहां तक किया था हम लोग ने हाँ वो ही है कैसे अच्छा दे दू रुको ठीक है रुको बताता हूँ हाँ वो दिया हुआ कि एसिडिक बफर इज ऑफ टेन on mixing 100 ml of 0.1 mol acetic acid and 200 ml of 0.1 mol NaOH. 100 ml or ये 200 ml. 100 ml of 0.1 mol HCl और 200 ml of this ठीक है और HCl और NaCl mix किया है और एसिडिक एसिड एन एम एच एसिडिक एसिड एन एम एच एक एक्सेस और ज्यादा है एक एच सी एल के साथ एन एस सी एल और एक एच अब ये क्वेश्चन उस एसिडिक वफर कब बनता है अब ये क्वेश्चन उस बच्चे ने रॉन्ग किया और क्लेम के लिए बोला है जिसका मार्क्स ऑलरेडी 99.5 नाइन पॉइंट फाइव परसेंट एज से ऊपर आया हुआ है एसिडिक वफर कैन बी फॉर्म बाय मिक्सिंग हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर सी एस थ्री सी ओ एच ठीक है पिछली बार नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव से बब आ चुका उसका और टू हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर एन एच इससे बनेगा या दूसरा है हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर एसिटिक एसिड प्लस हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर एन एम एच हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर सी एस थ्री सी ओ एन ए प्लस टू हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर एच सी एल एक डेटा है हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर एच सी एल प्लस हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर एन एच सी एल किस में एसिडिक बफर बनता है ओके टwelve आंसर किया तुमने तो इसका आंसर हो जाएगा मुबिन ने बोला सी सोया का भी सी आंसर डी तो आई थिंक पहले सबका देख लेता हूँ दर्शन प्रसन्ना रफात लोकेश श्याम उबिंग अथर्व करेक्ट है श्याम उबिंग अथर्व और ये जो पहले बताया यस ऑप्शन सी होगा अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन इतना बात किया हम लोगों ने बट एग्जाम में जाके कंफ्यूजन आता है आंसर सी विपुल विपुल तुम्हारा आंसर नहीं है वहा थर्ड वाले में हाँ राइट right? थर्ड होना चाहिए तुमने एक साथ मैसेज में लिख दिया था सबसे पहले लिखा था विपुल ने आंसर राइट अब इसके लिए वो क्लेम भेज रहा था बच्चा कि ये राइट होना चाहिए अरे वो तो वीक एसिड कंजुगेट बेस लेना है ना ये स्ट्रॉन्ग तो ऐसा कैसे हो सकता है उसका मार्क्स ऑलरेडी 99.5 ऊपर आया हुआ मतलब कहने का आता है कि कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में यदि बुकलेट कई बार रिवाइज नहीं किया किसी टॉपिक को कम रिव्यजन किया है तो तुम्हें याद नहीं आएगा कुछ लोगों को याद आया इसमें ये टेन था और ये ट्वेंटी था यही था ना टेन इसके टेन को न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या बच जाएगा नहीं कुछ रॉन्ग हो गया रुको मैंने कुछ रॉन्ग लिख दिया था लगता है उल्टा लिखना था ये 200 हंड्रेड एम और ये थर्ड था अब तब वो आंसर होगा हाँ 200 हंड्रेड इसीलिए कई लोगों ने आंसर नहीं किया कई लोगों ने ऐसा शायद किया होगा तो उल्टा समझ के कर दिया होगा राइट वो मैंने लिखने में 200 100 इधर कर दिया इसके बाद ये राइट होता a माइनस और एच प्लस मिलकर अच्छे आएगा याद इट डजेंट तो मैटर तुम्हें कंसेप्ट याद आ रहा है ना वो ठीक है ये ट्वेंटी था ये टेन डालोगे तो जीरो था बाद में कितना हो गया ये टेन हो गया ये जीरो हो गया ये टेन हो गया तो दोनों बन गया ना तो बफर बन जाता ये टू हंड्रेड एम एल ये हंड्रेड एम तो फिर थर्ड आंसर आ गया था फर्स्ट में क्या हो गया ये पूरा न्यूट्रलाइज होगा बेसिक सॉल्ट बच जाएगा और इसमें ओ एच माइनस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस केवल लेना था ये कर्व था ना वही है तो ये थर्ड आंसर था, था मैंने ही रॉन्ग लिख दिया था तो फिर थर्ड नहीं होता फिर कुछ भी नहीं हो जाता वो हाँ टू हंड्रेड एम एल ठीक है इसके लिए लोग चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना ऐसा तो एक कर्व आया था वो पता नहीं कैसे बच्चे ने रॉन्ग कर दिया परसेंटाइल तो ठीक है उसका भी नाइनटी नाइन परसेंटाइज है बट वो लोग क्लेम के लिए जो जो बोल रहे थे वो मैं बता रहा हूँ कि एस टू गैस का फॉर्मेशन का कर्फ कैसा होगा एनर्जी और इसका ऐसे दूसरा था इस तरह से ये डिस्टेंस न्यूक्लियर डिस्टेंस है एनर्जी और एक ऐसे कर्व था ऐसे था एनर्जी और न्यूक्लियर डिस्टेंस का एस्टू गैस फॉर्मेशन एस्ट्रो गैस का फॉर्मेशन करोगे तो ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कौन सा कर्व राइट है ये जो कैसे जिसमें वो लोग क्लेम करना चाहते थे सिर्फ यही मैं बोल रहा राइट right आंसर तो दे रहे हो तुम लोग तो। वेदांत अमितेश प्रसन्ना शिवम अराफात दर्शन विपुल श्रेया कौशल सबके आंसर राइट आ गए ठीक है ये आंसर बी होगा याद आ रहा है ये कर उसने बस यहाँ पे एक कर नहीं दिया था जब मैंने बॉन्डिंग पढ़ाया था तो क्या बोला था कि स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी इधर होगा तो इसको यहाँ पे जीरो मान के चलो यही था ना इसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया और ये, ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो जैसे एनर्जी रिलीज हुआ लेंथ कहलाता है बॉन्ड लेंथ यहाँ अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर फोर्स ऐसा था ना और यहाँ पे अट्रेक्शन फोर्स और यहाँ रिपल्सन फोर्स ग्रेटर फोर्स ऐसा याद आ गया ये अब एक क्वेश्चन था कि वन इज नॉट द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ द एटम किससे तुम डायरेक्ट क्वांटम नंबर नहीं बता सकते हुआ? ठीक है क्वांटम से चेंज होना चाहिए एक है इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विद देशर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वेवलेंथ होता है क्या इससे क्वांटम नंबर एन आता है क्या वो है दूसरा था इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन टेम्परेचर के साथ अलग रो, रोल दिया हुआ है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विद दैट टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी विद दैट टेम्परेचर। इंटेंसिटी ऑफ़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विद दैट टेम्परेचर वो ऐसा कब आता था? था ना ये तो ये जो हो गया है इससे टीवन हो गया ये टेम्परेचर क्यों लिख दिया मैंने इसके लिए हटा रहा था टेम्परेचर नहीं यहाँ पे क्या आता है टॉप तो में वेवलेंथ और ये इंटेंसिटी ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कर्व किधर जाएगा टेम्परेचर बढ़ाओगे वेब छोटा आएगा बड़ा वाला एनर्जी मिलेगा ना वो हाँ तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता जाएगा और उसकी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी ऐसे ऐसे रहेगा ना वो इधर शिफ्ट होता जाता है टी टू टी वन तो किससे तुम्हें क्वांटम नंबर मालूम चलता है और एक हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम नियॉन ऐसे विद द टेम्परेचर ऐसे बढ़ाओगे तो बढ़ रहा है और एक हो गया एब्जॉर्प्शन आइसोस्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन आइसो स्पेक्ट्रम और एक लास्ट है बताता काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ द फ्रिक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ये वही बच्चे हैं जो टॉपर बच्चे एग्जाम में जाके वो बोल रहे हैं क्लेम करने को किससे शेल नंबर मालूम चल सकता है यह क्वेश्चन बता दू डायरेक्ट पूरा उसका लैंग्वेज बता देता हूं क्या द फिगर दैट इज नॉट डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नंबर ऑफ एटम्स the figure that is not direct manifestation of the quantum number of the atoms Uh, कौन सा डायरेक्टली एन से रिलेटेड नहीं है नॉट द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नंबर ये भी चैलेंज कर रहे थे हाँ तुम लोगों ने करेक्ट किया अरफात दर्शन श्रेया विपुल कौशल मुबिन फिर मुबिन ने रॉन्ग कर दिया आगे जाके नॉट द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन इतना राइट है तो बी डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन नहीं है इसको एन से कोई रिलेशन नहीं है टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी थ्री बाई टू एनआर होता है नंबर ऑफ से रिलेटेड बट और सब में क्या होगा यहाँ पे सोडियम लिया कि पोटेशियम लिया उस पर डिपेंड करेगा ना उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ अलग अलग आएगा सबका अपना अपना वेवलेंथ आता है हीट करने पे अब जो ऑप्शन आईसो वही होता है कि सबका अपना फिंगरप्रिंट होता है वो एन बता देता है किसमें होगा एन ए के आरबी फोटो इलेक्ट्रॉन से लास्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर आता है ना एन ए का आ रहा है कि आ रहा है है तो ये N को रिप्रेजेंट करता किस ऑर्बिट में तो जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं वो B है वो बी है N से कोई नहीं। तो इसके लिए भी वो चैलेंज कर रहे थे सी होना चाहिए आंसर पता नहीं क्या दिया बट बी होना चाहिए ए का ए में क्या होगा इंटेंसिटी बढ़ा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो होगा क्या मान लो कि उसका आउटर मोस्ट सेल जो ऊपर जंप कर रहा है तो उसका अपना वेवलेंथ आ रहा है दूसरा एलिमेंट लोगे तो उसी टेम्परेचर पर कोई और वेवलेंथ शो कर रहा है हिट करने पे हीट करने पे इलेक्ट्रॉन मान लो ऊपर जंप किया फिर नीचे आया तो फिर शो कर रहा है ना तो वो भी एन से रिलेटेड है ना ये सब वो क्वेश्चन है जो लोग चैलेंज करने जा रहे थे और ये सब बच्चे वही है जिनका नाइनटी नाइन परसेंट ऊपर है प्रीवियस टेस्ट में उन लोगों ने पूछा था फिर भी ये सब कन्फ्यूजन एग्जाम में आ जाता है ये चीज़ समझ के चलना होगा ये सब कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब बुकलेट बार बार किया हुआ है तो सिंपल क्वेश्चन मिस्टेक्स नहीं होगा और नवंबर दिसंबर से केवल मॉक टेस्ट ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे पुराने कई कोचिंग के मिल जाते हैं पुरानी ईयर्स के तो वही सॉल्व करते रहो रिजल्ट तो कल ही आ जाएगा कल चैलेंज का लास्ट डे था आज कर देंगे वो लोग आज कल में सब फाइनल करके कल तक आ जाएगा चलो आगे करते हैं ने कहाँ तक किया था एक बार देखो तो क्या लास्ट बताया था याद है ओके, जो नोट्स भेजा था मैंने उसमे कम्प्लेक्स सॉल्ट वगैरह कर दिया था टाइप्स ऑफ कम्पलेक्स सॉल्ट इन परफेक्ट परफेक्ट नहीं ये सब नहीं किया था जिससे स्टार्ट ही किया था आई थिंक नोट्स क्या भेजा था तुमने तो हाँ कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा हो गया कॉर्डिनेशन नंबर बता दिया डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स अच्छा अच्छा ये मुझे नोट्स करना पड़ेगा ये तो करना है तो मुझे कुछ तो सवाल ठीक हाँ, है मैं थोड़ा वो, एक क्वेश्चन भेजा ग्रुप पे देखो तो वो लेकर आता हूं जस्ट वाला नहीं लिया मैंने दो नोट्स मेरे पास एक भेजा था तुम लोग नोट लेकर आता ये क्वेश्चन देखो ये भी उन्होंने क्लेम करने को दिया बट मेरे ख्याल से वो राइट आंसर थोड़ा टाइम लेगा क्वेश्चन शायद दो मिनट लग गया बट ट्राई करो जो ग्रुप पे भेजा भाई ओके okay. कितने लोग आंसर हुआ ये ऑप्शन बी लग रहा है ये भी क्लेम के लिए हो जा रहे हैं डाइजोटाइजेशन बोल गए एन टू सी एल एन एस टू से एन टू सी एल तो बी सबको श्रेया ऋषभ विपुल अंकित राजदीप दर्शन शिवम अराफात ये लोग को भी लग रहा है देखते हैं क्वेश्चन क्या था तुम लोग को ग्रुप पे भेजाना ये क्वेश्चन पे जाने का एक मिनट में, तो हाँ, में थ्री आई बी सी की बात कर रहा है तो पहले स्ट्रक्चर देख लो बेंजियन के साथ या तो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री ये होगा अब ए एन सी को डाइजाजन करोगे मतलब एन टू सी एल बनाओ तो पी और क्यू मिला और एक हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आर होगा हाइड्रोलिसिस करने पर डाइजोटाइजेशन मतलब डाइजोनियम में चेंज हो जाएगा फिनॉल में होगा और उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप होगा वो एसिड बन जाएगा तो फिनोल और ए पोजीशन पे यदि या तो फिनोल और सीओएच ऑर्थो तो पोजीशन पे हो सकते हैं ए ऑप्शन देखो तो ए बी सी था ना तो या तो ऑर्थो तो में मेटन पर आइए आ सकते था बट आर हैज द बॉइलिंग लेस बॉइल लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द एसए दिया हुआ और जो बी हो गया बी आइसोमर जो हो गया वो क्या बनाता है अल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट विद द C6H5SO2Cl C6H5SO2Cl हिंसबर्ग रिएजेंट और इन सॉल्यूब मतलब टू डिग्री अमाइन तो टू डिग्री अमाइन तो एक ही दिख रहा है ना बी में टू डिग्री अमाइन होगा तो टू डिग्री अमाइन का ऑप्शन नहीं सब में आंसर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में से कोई होता है टू डिग्री अमाइन है ना हाँ बट ए और सी के साथ क्या बनना है हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कि उसके साथ एक चेन आना चाहिए था बी आ गया ए और सी में क्या आ जाएगा uh, हाँ तो बी इधर आ जाएगा उधर पी का प्रोडक्ट ए हो गया तो हाँ तुम्हारा ये जाएगा ऑर्थो वाले का क्या होगा यह दिया होगा कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा देन पैरा पैरा में क्या हो जाता है फिनॉल के साथ सीओ एच बन जाए तो वो क्या होगा पैरा नाइट्रोफिनोल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल केमिकल बॉन्डिंग बताया इधर भी बताया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट किसका जाता है जीओसी वगैरह में पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होता है क्यों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनल का कम होता है यही होता है ना हाँ तो फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका तो आर जो आ गया प्रोडक्ट ऑफ ए है r इज द प्रोडक्ट ऑफ a यही है ना और r का लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन s है मतलब ऑर्थो वाले का लोअर होगा तो आंसर 2 जाएगा तुम लोगों ने कई लोगों ने राइट कर दिया वेरी गुड और मोस्टली सब रॉन्ग करके आ गए हैं उसका रीजन ये हो सकता है कि शायद ये अमाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, तो बाद में याद नहीं रहता तुम लोग को हो सकता है अभी याद हो इसके कारण ऐसा हो रहा हूं है ना ओके okay. चलो भी देखिए डेंटिसिटी वाला देखो रिविजन इज द मेन की तुम्हें ये सब याद आएगा सब हो जाएगा

चलो ठीक है अभी कॉर्डिनेशन देखो ये सब डाउट वाले क्वेश्चन कर लिए डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड में देखो डेंटिसिटी वन दिया हुआ था टू दिया था ये बता दिया था न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम बाई डेंटेंट इथिलीन डाइमाइन ये बताया था ग्लाइसिनेटो ग्लाइसिनेटो कौन सा था सी एच टू सी माइनस और एन ये भी लोन पे डोनेट कर सकता है ये भी डोनेट कर सकता है यही है ना ये ग्लाइसिनेटो अपने बुकलेट में और ज्यादा डिटेल मिलेगा है ना तो जब नोट्स बनाना बुकलेट भी इन्वॉल्व कर देना एक बार ये हो गया नाइट्रोजन पायरेडीन होता है ना ये एक और पायरेडीन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा दो दो लोन है, तो डाई पेरेडीन ये ना उसी बाद फिन्रोलिन दिया हुआ है, जो न्यूट्रल होता है नेक्स्ट उसके बाद ऑक्सिलेटो देखो ऑक्सिलेटो भी क्या होगा सीओ माइनस सीओ माइनस ये दोनों मेटल को डोनेट कर सकते हैं ना ये और ये ये क्या हो गया बाई डेंटेंट हो गया एसी ए सी याद होगा ये ऑर्गेनिक में यूज किया था क्या था सी एस टू सीओ एन एस सी एस थ्री इसका कैसे बनाओगे टोटोमर सी एस थ्री सीओ सी एच डबल वन सी ओ माइनस यहां पर कर दो और ये ऐसा होगा ना हाँ इसमें भी दो साइट है डोनेट करने के लिए इसी तरह से होगा ना सी एस डबल मोन सी के साथ ये ओ माइनस हो गया कि ये डोनेट कर सकता है कि ये डोनेट कर सकता है इसी 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 ये हो गया कौन सा एसी एसी ऐसे एसेटाइल एसीटोन ओके एसेटाइल एसीटोन और कौन सा है उसके बाद देखो प्रोपेन वन टू डायमाइन प्रोपेन वन टू डाइमाइन दिया दो लोन पेयर है डोनेट करने की कैपेबिलिटी है आ, हो गया, प्रोपेन सी एस थ्री सी एच एन एच टू सी एच टू एन एच टू प्रोपेन वन टू डायमाइन ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा ये होगा ना डाइमिथाइल ग्लाइमेटो सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड एन इसका नेम कैसा आएगा डाइमिथाइल डीएमजी की बात कर रहे हैं डीएमजी एन आएम सो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम ग्लाई ग्लाई क्या था ग्लाई ऑक्सल क्या था ये ग्लाइऑक्सल ऑक्सल है ऑक्साइम क्या होगा यहाँ पे एस टू एनओ ले लो ये हट गया और डाइमिथाइल मतलब यहां पे दोनों का सीएस थ्री बना दो क्लियर तो वो क्या हो जाएगा डाइमिथाइल ग्लाई तो क्या बन जाएगा वो सीएस थ्री सी डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री बना है ना डबल बॉन्ड एनओ एच डबल बॉन्ड एनओ माइनस पार्ट ले लिया गया तो यहां पे डोनेटिंग कौन सा होगा इसमें तो ओ माइनस डोनेट करेगा बट इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का लोन क्या डोनेट करता तभी ये सिक्स मेंबर बनेगा ना तो ये डाइमिथाइल डाइमिथाइलऑक्साइड डाइमिथाइड ग्लाई ऑक्साइड कैसे बनाया क्लियर वाला ओके okay, नो no डाउट

जो बेंजीन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट था वही था ना ग्लाई ऑक्सल ग्लाई ऑक्सल और कैसे से, COS, COS से और ये दो है ये ग्लाई ऑक्सल है ये क्या होगा ग्लाई ऑक्साइन और तुम्हें क्या बनाना है डाई मिथाई ग्लाई ऑक्साइन मतलब इसके जगह सी एस थ्री कर दो और ये डीएमजी एनायन है कैसा किया कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अच्छा हा सिंगल बॉन्ड था सब ओके वो कंफ्यूजन था, था ये। जब ऊपर से ये सिंगल चल रहा है तो ये पार्ट वही है बस मिथाइल ऐड किया गया तो ये सिंगल ही रहेगा ठीक है तो ये भी हो गया नेक्स्ट देखो और नोट्स में क्या दिया हुआ डाइमिथाइल डायलॉग एड दे दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस फॉलोइंग इसके अलावा ट्राइडेंटेंट मेंटाडेंटेंट हेक्साडेंटेंट वो सब आगे दिया हुआ है ना तीन चार जाके जाओगे वो अभी देख ले क्या उसके बाद करते हैं वो आगे आएगा अभी नोमिनक्लेचर नाइट्रो नाइट्राइटो है ना ट्राइडेंटेंट अपना बुकलेट में थियरी बहुत ही अच्छा दिया हुआ उसको एक बार जरूर पढ़ना और नोट्स में कॉपी कर लेना कुछ पॉइंट्स ट्राइड एंटेंट लिगेंट है ना तो जैसे कि टाइड एंटेंट में क्या हो जाएगा जिसमें तीन लोन डोनेट कर सकता है यही है ना तो इथिलीन डाइएमाइन मैंने बताया था ई एन क्या हो गया सी एस टू सी एस टू इस पे दो अमाइन ले लो इथिलीन तो रहा नहीं बट नेम इथिलीन पे अमाइन डाल के आया इसलिए इसका नेम क्या था इथ ये मैंने बता दिया था कि ये बाइड है डेंटिसिटी टू है दो लोन पे है डोनेट करने के लिए यही है ना बट ट्राइडेंटेंट की बात करें हम लोग डाई एन ले लो, इसका नेम शॉर्ट फॉर्म क्या था ईएन, e अब हम लोग बात कर रहे हैं डाई एन -E की डाई एन -E मतलब दो इथिली मतलब एस टू एन सी एस टू सी एस टू एन एच सी एस टू सी एस टू एन एस टू यहां तक तो ई e एन था अब यहां पे आ गया ये डाई तो जहां डाई आ जाए एक, एक बढ़ा दो ट्राइएन रहेगा तो इसके आगे यहाँ पे क्या करते जाओगे सी एस टू सी एस टू एनएस टू एक और चाहिए तो टेट्रा चाहिए तो सी एस टू सी एस टू एन एच टू एक और चाहिए तो सी एस टू सी एस टू एनएस टू ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग क्लियर इथलिन डाइमाइन तक तो वहां पे था अब ये कितना डोनेट कर सकता है इधर ये, ये ये नाइट्रोजन कॉमन पॉइंट बनते चलेगा डाई एन ये क्या होगा ट्राई टेन टेड अभी मैंने बोला ट्राई उसको क्या बोलेंगे डाई एन क्यों बोला डाई इथाइलिन इथाइलिन दो ही है देखो तो, तो दो इथाइलिन है ना सी एस टू सी एस टू और अमाइन कितना है ट्राई अमाइन डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन इसको डाई ई हो गया डाई एन, एन की डेंटिसिटी टू तो डाई की थ्री ट्राई की फोर टेट्राई की फाइव इस तरह से ट्राई एन की बात करें तो स्ट्रक्चर शायद तुम गेस्ट कर पा रहे हो ट्राइ इथाइलीन टेट्रा अमाइन वो कैसा हो जाएगा एनएच टू ट्राई इथाइलिन बनाना है सी एच टू सी टू हाँ एनएच फिर से एक और सी एच टू सी एस टू दो इथिलीन तो आ चुका तीसरा भी बना दो सी एच टू सी टू फिर लास्ट में एनएच कॉमन पॉइंट समझ में आया ना ये अमाइन कितना हो गया चार न इसकी डेंटिसिटी हो जाएगी फोर अभी हम लोगों ने बताया था ये जो बनाया था डाइप ये लोन पेयर डोनेट करेगा ऐसे डाई पेरिडिल डाई डाई पेरिडिल डाई पी वाई आया था अब इसको हम लोग करें आ, ये 2.2 ऐसे लिख सकते हो ना नोमिन याद होगा था सेकंड सेकंड पे है ना अब यही चीज यहां पे करते जाएं एक और ऐड करते चले तब ये तीन तीन लोन पे है डोनेट करने के लिए ये ट्राइडेंटेंट होगा और इसका नेम क्या होगा टू कोमा टू डैश टू डबल डैश टर पायरेडिन। टू कमा टू कमा टू डैस है ना ये याद होगा नवीन किल्चर टू कमर टू कमा टू डैस अब नहीं याद होगा रुको पूछता हूं। अब तो बिल्कुल नहीं याद होगा तुम तो लोग इसका नवीन कल्चर याद है किसी को यही सब टू डैश था इसीलिए तो बोला कि भूल गया तुम लोग ये वन होगा या वन डैश होता ये टू डैश होता ये वन डबल डैश होता याद है वन वन डैश टू डैश वन डबल डैश सर साइक्लोब्यूटाइल ऐसे ही था ना आ, ये सब साइक्लो वाले के नेम है इस तरह से भी याद पड़े तो। अब ये सब ही करते थे ना साइक्लो के लिए इसीलिए इसका होगा ये फर्स्ट पोजिशन नाइट्रोजन ये टू हो गया और ये नाइट्रोजन के एक्सपेक्ट में टू डैश हो गया और ये यहाँ पे आ, ये नाइट्रोजन का सेकंड पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में टू तो यहां पे क्या आ जाएगा टू डैश पे चला जाएगा ये ये इसको टू मानो तो ये टू डैश था ओके सब नोम रिविजन इसके बाद ट्राइड के बाद क्या दिया हुआ है टेट्राडेंटेड टेट्राडेंटेड तो अभी बताया ट्राईथिलिन टेट्रामाइन है ना टेट्राडेंटेड में एक और लिख लो जैसे कि ये सब ऐसे अपने नोट्स में रहेगा क्या नाम है बुकलेट में डिटेल में ns2 co- इसका नेम क्या लिखा होगा ch2co-acetate आया ना ch2co- ये भी एसीटेट आया ना ch2co- ये भी एसीटेट आया ना यही है ना तो ये सब डोनेट कर रहा है मेटल को ऐसे ही डोनेट कर रहा है ना ये नाइट्रोजन से आ गया तो इसका नाम आता है नाइट्रिलो एसिटेट नाइट्राइल मतलब एन जो तीन बॉन्ड बनाता है तो नाइट्राइलो सी होता है ना नाइट्राइल एन तीन बॉन्ड बनाना नाइट्राइलो एसिटेट अब पेंटाडेंटेंट की बात करें पेंटाडेंटेंट तो क्या हो जाएगा बना लो एन एस टू सी एच टू सी एच टू एन एस टू इसका नेम होगा एथिलीन टन और सब पे अस्सी आयन देना स्टार्ट करो सी एच टू ओ माइनस सी एस टू ओ माइनस ये डोनेट करेगा डोनेट करेगा तो दो हाइडेट हटा दो यहां से यही हुआ ना और यहां से भी एक हाइड्रोजन हटा दे और एक हो गया सी एच टू सीओ माइनस ये भी डोनेट करेगा नाइट्रोजन का लोन पेयर तो डोनेट कर ही रहा है ये फाइव हो गया नाइट्राइल में नाइट्रोजन पे में लोन पेयर होगा नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पे लोन पेर होगा तो वो भी डोनेट करता है इसलिए ये टेट्राडेंटेंट था ये टेट्राडेंटेट इसको इस साइड करके दिखाया तो बेटा दिखेगा ठीक है तो ये रोला इसका नेम क्या होगा इथिलीन इथाइलिन तो था ट्राई एसिटेट थ्री एसिडेट है ना इथिलीन डाइअमाइन था इसके बाद करते हैं है, इसका नेम क्या होगा ईडी थ्री माइनस इथिलीन डाइअमाइन, ट्राई एसिटेट थ्री माइनस तीन निगेटिव चार जाए ना अब हम लिखे नेक्स्ट वन इथिलीन डाइमाइन इज ईडीटीए ईडीटीए फोर माइनस सिर्फ ईडी टी लिखा भी तो यही होगा इसमें क्या करोगे उसी तरह से एनएस टू सी एस टू सी एस टू एनएच टू अब नाइट्रोजन को तो हटाई दो इस पर देगा सी एस टू सी ओ माइनस सी एस टू सीओओ माइनस ये भी डोनेट करेगा ये भी डोनेट करेगा नाइट्रोजन का लोन पेयर भी डोनेट करेगा इधर से भी नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करेगा और कौन सा होगा सी एस टू सीओ माइनस ये भी डोनेट करेगा यहाँ पे सी एस टू सी ओ माइनस आ गया तो ये भी डोनेट करेगा तो सबके सब डोनेट करेंगे ना अभी दोनों नाइट्रोजन एंड चारों एसिटेट क्लियर हुआ कैसा हो गया देख लो ऑक्टाइडल कंप्लेक्स बना के देखा होगा कि सिक्स डोनेशन ऑक्टाइडल एक्साइडेंटेंट लिगेंड डोनर कौन सा दो नाइट्रोजन एंड फोर ऑक्सीजन ये सबको क्लियर हो गया Notes में देख लो जीवन था नाइट्राइल में करेगा वो लोन पे भी डोनेट करेगा इसलिए फोर हो जाता है लोन पे हर जगह डोनेट करेगा ये नाइट्रोजन का लोन पे भी डोनेट करेगा और ये नाइट्राइलो एसिटेट में ना ये सब टेट्राडेंटेंट के एग्जाम्पल है टेट्राडेंटेंट का एग्जाम्पल एक तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल है ये ट्राई किए ये।, ये सब कौन सा हो गए एग्जांपल ऑफ स्टेटेंटि ओके नेक्स्ट अब एक चीज याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी टू प्लस कहीं पे भी रहतेगा तो कॉर्डिनेशन नंबर चार बनाता वो कई जगह मिलेगा अरे कॉर्डिनेशन नंबर का क्या करें तो लर्न कर लेना अच्छा पीटी फोर प्लस रहेगा तो कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा इसके कारण कई कंफ्यूजन आते रहता है तो ये लर्न कर लेना पीटी टू प्लस टू दिखे तो कॉर्डिनेशन नंबर बनाना फोर प्लस दिखे तो कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा मतलब ये सिक्स कॉर्डिनेट वॉन्ड एक्सेप्ट कर सकता है पीटी टू प्लस चार ही एक्सेप्ट करेगा वर्ल्ड कंप्लेक्स नंबर सिक्स होगा वर्ल्ड कंप्लेक्स कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स दिखेगा उसका okay, जैसे सीओ थ्री प्लस वगैरह दिखेगा ऐसे के थ्री सीओ सी एन सिक्स ये कॉर्डिनेशन नंबर दिखेगा नेक्स्ट देखें, एमबी डेंटेंट लिगेंट क्या है एमबी डेंटेट लिगेंट कैन बी डेंटेंट लिगेंड में जाओगे तो लिगेंड विच कैन फॉर्म विच कैन डोनेट फ्रॉम टू साइड एट अ टाइम मतलब दो साइड होगा बताइए एक बार में एक ही डोनेट करेगा जैसे सी एन माइनस लोगे तो ये भी डोनेट कर, कर सकता है ये भी डोनेट कर सकता है है ना टू साइड बट डोनेट वन एट अ टाइम या तो कार्बन डोनेट करेगा या नाइट्रोजन डोनेट करेगा अब कार्बन डाइनोट करेगा तो इसका नेम होगा सायनो ठीक है और या साइनाइडो यही होगा ना साइनो या साइनाइडो और नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो नेम क्या हो जाएगा फिर आइसोसाइनो पे जाएगा वो नाइट्रोजन से नेम उसका चेंज हो जाएगा आइसो हो जाएगा फिर तो ये सी एन माइनस और एक हो गया आ, ये सी ट्रिपल बॉन्ड माइनस ही रखो ये डिनोट करेगा तो नाइट्रोजन से मेटल नाइट्रोजन का बॉन्ड हो गया ना तो इसका नेम होगा आइसो साइनो या दोनों को साइनो करके लिख सकते हो साइनो डोनेशन किसका है सी का और इसमें डोनेशन किसका है साइनो में एन का या एन। ओके नेक्स्ट देखो ओ सी एन माइनस ओ के साथ सी एन माइनस ये कब आता है और एक हो गया है, एन के साथ सीओ माइनस यहां नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और यहां पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है इसका नेम क्या होगा आइसोसाइनेटो नहीं तो वो वाला आएगा रॉन्ग किया गया नहीं सही लिखा मैं ये साइनेटो होगा साइनेटो। और ये नाइट्रोजन वाला आएगा तो आइसोसाइनेटो तो साइनाइड आइसोसाइनाइड साइनेटो आइसोसाइनेटो थानेटो भी पढ़ा था याद होगा एनसीएसएस ये बनाया था ना आइसो साइनेटो और वो रहता तो आइसोसाइनेटो ऐसा अल्काइल आइसोसाइनेटो एनसीओ में और कौन सा माइनस वही होगा एस पे माइनस हो गया साइनाइट हो गया तो थायोसाइनेटो और उल्टा पड़ गया तो आइसोथायोसाइनेटो यही नेम दिया है ना अब नाइट्रो के साथ देखो

और इसका नेम क्या लिख सकते हो नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो ओ या तो इसको नाइट्रो लिखो या फिर इसको लिख सकते हो नाइट्राइटो नाइट्राइटो डोनेशन किससे एन और इसका नेम क्या लिखेंगे नाइट्राइटो या फिर नाइट्राइटो एस नाइट्राइटो ओ यही दिया हुआ ना नोट्स में देखो नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो ओके क्लियर हुआ होगा रीजन ऑफ व्हाट? कौशल किसका रीजन पूछ रहे थे तुम क्लियर okay, हो गया उसके बाद और नोट्स में है एच टू माइनस इसके नोट्स चाहो तो कोऑर्डिनेशन के बहुत बड़े बना सकते हो बहुत सारे कंसेप्ट कई बुक में दे देंगे बोलो बट जो इंपॉर्टेंट हो नोट्स में ये क्या हो गया थानेटो टू सोडियम थानेट होता है ना तो थायोसाइनेट से थायोसाइनेटो अब ये इसको थानेटो हो और थायो होता है, साइनेटो हो, है, हो, है सोडियम था सल्फेटो तो, सल्फेट सल्फेट तो इसमें डोनेशन एस से आ रहा है कि ओ से आ रहा है वो मैटर करता है तो सल्फ़र्टो तुम्हें हमेशा ही मोस्टली जब भी मिलेगा ऑक्सीजन ही डोनेट करते आएगा जाएगा सल्फ़र्टो का स्ट्रक्चर तुम्हें याद होगा एस ओ माइनस ओ माइनस इस तरह से है एक ओके थायोसल्फेटो एस डबल बॉन्ड ये था ये थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर था ना हाँ तो थायोसल्फेटो ही चलता है एस टू थ्री और एस से ओ माइनस यहाँ पे एक चीज रॉन्ग किया उसने क्यों लिख दिया था सल्फेटो थायो सल्फेटो एस तो हाँ इससे आता है ये सल्फर आता है ना राइट ये डोनेट करता है वहां पे नहीं है बट यहाँ पे तो ये भी डोनेटर डोनेशन होगा ना तो था सल्फेटो एस और था सल्फेटो ओ था सल्फेटो क्लियर है क्या देखो तो हाँ बाहर का ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है बट लोन पे उसके पास से तो वो दे सकता था ओके अब वहां पे नीचे एक दिया हुआ एफ सी एन सिक्स तो वहां पे साइनो है और एन सी लिखा तो साइनो एन है या आइसो साइनाइड है एफ ई ओ एन लिखेगा या एफ ई एनओ टू इससे मालूम चल जाएगा ना ओ एन ओ लिखा तो नाइट्राइटो और एनओ टू लिखा तो नाइट्रो क्लियर उसके बाद थायो सल्फेट का दिया हुआ है उसने थायो ऑक्सिलेटो एस और एस थायो ऑक्सिलेटो ओ एन ओ थोड़ा सा ज्यादा पार्ट है सर ओके okay. नेक्स्ट में देखो एक एग्जाम्पल और फ्लेक्सीडेंटेड फ्लेक्सीडेंटेड मतलब क्या होगा जिसकी डेंटिसिटी जैसे EDT है मैक्सिमम सिक्स होता है मिनट दोनों ओ, दोनों साथ में डोनेट कर सकते हैं क्या इन थायोसल्फेट थायो में दोनों ओ डोनेट करेगा तो कितना फोर मेंबर रिंग बनेगा अनस्टेबल हो जाएगा मेटल एक और रिंग का पार्ट हो गया और दोनों ऑक्सीजन करोगे तो चार मेंबर ही आएगा ना तो नहीं आएगा फिर लिगेंड के लिए या रिंग बनना चाहिए फ्लेक्सीडेंटे कैन शो मल्टीपल डेंटिसिटी जिसकी वेरिएबल ऐसे ईडीटीए सिक्स है ना ईडीटीए का इी ईडीटीए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर तो वो फाइव भी नोनेट करेगा जरूरत पड़ने पर, पर फोर भी करेगा थ्री भी करेगा टू भी, भी करेगा कुछ भी कर सकता है तो कैन शो मल्टीपल डेंटिसिटी मल्टीपल डेंटिसिटी मतलब जैसे एग्जांपल ले लो सल्फेट तो ये थोड़ा सा इसका लेस स्टेबल आता है क्यों बनेगा तो फोर में रिंग डोनेट किया तो हाँ तो ये जरूरत पड़ने पे वन वन भी डोनेट करेगा और मोनो भी रहेगा और डाई बाय मोनोडेंटेंट मेनली मोनो, मोनो ही रहेगा क्योंकि स्टेबिलिटी आती है फोर मेंबर स्टैंड होगा है ना बट कहीं कहीं पे ये बाई डेंटेट भी शो करता है जैसे एग्जांपल दिया हुआ सीओ एन एस थ्री फाइव एसओ फोर प्लस वन तो कोबाल्ट के को ऊपर क्या चार्ज होगा एन थ्री के ऊपर जीरो सल्फेट पे माइनस टू तो कोबाल्ट पे क्या रहा होगा प्लस थ्री, तभी तो प्लस थ्री माइनस टू मिलकर प्लस वन आया ना चार्ज हाँ तो यहां सल्फेट कोऑर्डिनेशन नंबर इसका सिक्स होता है कोबाल्ट का तो मैक्सिमम कोबाल्ट सल्फेट का कितना हो गया एक ही आया ना यहाँ पे सीओ एस ओ फोर का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बाई डेड डेंट है तो टू प्लस टू फोर और सल्फेट का एक टोटल कितना हो गया हाँ तो ये बाई डेंट यही है ना हाँ तो कहीं पे ये मोनो भी हो सकता है कहीं पे बाई भी हो सकता है Okay. अभी ये वाला पार्ट तक कर दिया नेक्स्ट फ्लिक्स एजुनिट्रेंट हाँ, ए का भी दिया हुआ आप देखो तो हो सकती है टू नाइट्रोजन और थ्री वाला पार्ट ईडी टीए में एक एसिटेट आयरन ये बन जाएगा तो, तो ये फ्लेक्सी डेंटेन का एग्जाम्पल नहीं दे रहा है बोला कि ईडी टीए को एक एच प्लस दे दोगे उसकी डेंटिसिटी एक कम हो जाएगी क्योंकि एक पूरा एसिडिक एसिड बन जाएगा दो एच प्लस लोगे तो एक और चला जाएगा नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है वो तो उसकी डेंटिसिटी और कम हो जाएगी इस तरह से आ गया क्लियर हो गया अभी एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कर लें फिर देखेंगे बैक पेज पे आ जाओ कहां तक किया था हाँ बाइड के बाद ये दिया था फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वो देखो तो वाइडेंटेड वाला कि वो ईडीटीए कैसे बन गया वो ईडीटीए तुम लोग है तो क्या था ईडीटीए में फोर माइनस चार्ज था एक एच प्लस दोगे तो क्या होगा ईडीटीए थ्री माइनस बच गया तीन ही एसिटेट बन जाएगा ना इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया सी एस टू सी टू और ये हो गया एन एच एन के साथ सी एस टू सी बन गया ये बेकार हो गया बट बाकी तो सी एस माइनस है ना ये डोनेट करेगा यहाँ पे एन के साथ CS2, CS2, तो डेंटिसिटी एक कम हो गई ना यहाँ पे ये यह और ये हट गया डेंटिसिटी से तो दो एच प्लस दोगे तो एक और जाएगा मान लो दो एच प्लस दोगे तो फिर यहाँ पे आ गया तो ये भी बेकार हो जाएगा क्लियर तो एच प्लस देने से डेंटिसिटी कम होती है एक लास्ट पार्ट कर कोऑर्डिनेशन नंबर

नहीं एन एच टू ही दिया था वो एन एच टू था सॉरी एनएच ही था एनएच पे क्या चार्ज होगा एनएस थ्री न्यूट्रल एन एच टू माइनस और एन एच टू माइनस इस पे क्या होगा एन एच टू माइनस है ना ये ये जो चार्ज होगा टू माइनस है तो कितना हो जाएगा -2, -4 0, तो X का का वैल्यू ये ये ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हो का देखो। ये हो ना नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्लियर गया कैसे किया e Cl. इसका कैसे करेंगे इसको एक्स मान लो इथिलीन डाइमाइन मालूम चल चुका है जीरो माइनस वन क्या चार्ज होगा ही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब क्या होता है गैसेस का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो ना ये जीरो है तो इसका एक्स का वैल्यू क्या है ये भी जीरो आएगा आयरन पे कोई चार्ज नहीं है क्लियर ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में एक पे जो और दिया हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का एम ए सी ए सी इसका कितना होगा ए सी पे चार्ज माइनस टू था नाइट्राइड आजाइड एम पे एक माइनस होना होता है एन एस टू पे माइनस होना होता है तो क्या चार्ज आ जाएगा एम ए सी ए सी एन थ्री एन एस टू क्या हो जाएगा फिर एक्स ले लो माइनस वन माइनस वन माइनस वन नहीं एसी एसी था ना एसी और यहाँ पे के भी है इसका भी प्लस वन है एक्स का वैल्यू प्लस टू होगा यही होगा ना फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखना ये सब तो याद हो गई इसकी जरूरत पड़ेगी अभी ये 4S2, 3D, होता है। ये होता होता है है ना होगा तो पहले फॉरेस्ट से बाहर करना फॉरेस्ट जीरो थ्री डी फाइव एस से पहले देन डी से बाहर ये यहाँ पे भी यूज होगा ठीक है अब यहां से कल के लेक्चर में करते हैं कल से स थी एक इंपॉर्टेंट थियरी उसके बाद ठीक है इसका